अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर दस्तरखान लगा हुआ है ख्वाजा गरीब नवाज़ का, और ये अल्लाह के फजल व करम से रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर यहाँ पर लगाया जाता है। और यहाँ पर ये ख़वातीन, और अगर आप देखें कि मर्द भी, और फिर यहाँ बच्चों को भी अगर आपको दिखाया होगा, एक तरफ बच्चियाँ बैठी हुई हैं तो एक तरफ बच्चे बैठे हुए हैं, तो ये रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर ये खाने का इंतज़ाम किया जाता है। अभी जो आप देख रहे होंगे आज यहाँ पर जो है बिरयानी का इंतज़ाम किया गया है, और ये गोश्त की बिरयानी है। तो ये गोश्त जो है ये वो ईद उल अज़हा के मौके पर जो कुर्बानी का गोश्त था इसको स्टोर किया गया, स्टोरेज करके। और ये फिर ऐसे लोगों के लिए लाजमी है कि बहुत सारे लोग इनमें ऐसे भी हैं कि जो जिनका आमदनी के ज़रा इतने अच्छे नहीं हैं कि वो घर में गोश्त पका के खा सकें, तो अल्लाह के फजल व करम से उनके लिए मतलब जो यहाँ पर शामिल हैं आज हमारे दरमियान में आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, खा रहे हैं, ख़वातीन भी हों मर्द भी, तो ये कि हमने उनके लिए गोश्त का इंतज़ाम किया है। ये गोश्त स्टोरेज भी इसीलिए किया गया है कि ताकि वक्तन फ़वक्तन जो है हम इनको गोश्त की बिरयानी या और दूसरे लवाजमात जो हैं पुलाव वगैरह वो हम इनको खिला सकें। ये लाजमी हॉस्पिटल के पास है, सिविल हॉस्पिटल के पास, तो कोशिश हमारी यहाँ पर यही है क्योंकि बहुत दूर दूर से यहाँ पर अंदरून सिंध से आए हुए होते हैं, पंजाब से लोग आए हुए होते हैं, तो जिनके यहाँ ना घर बार होते हैं ना कुछ होते हैं, फिर उतने अखराजात उनका अपना खाना या दूसरे मामलात का, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उनके लिए इंतज़ाम किया जाता है। अब ज़रूरत इस बात की है कि इस काम को बढ़ाया जाए और बेहतर तरीके से बेहतर अंदाज में किया जाए। दूसरे हॉस्पिटलों के पास भी हमारा प्रोग्राम है कि हम वहाँ पर ये खाने का इंतज़ाम करें और वहाँ पर भी खाना लगाएँ ताकि लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। लेकिन लाजमी है कि जितना हमारे वसाइल हैं उस वसाइल के अंदर रहते हुए हम ये काम कर रहे हैं। कोशिश हमारी यही है कि इस काम को बढ़ाया जाए, बेहतर अंदाज में किया जाए और ज़्यादा बेहतर अंदाज में किया जाए। लेकिन इन सब के लिए आपके लोगों के तआवुन की भी ज़रूरत है। ये तआवुन माली तौर के ऊपर भी हो सकता है और ये तआवुन इस बुनियाद पर भी हो सकता है कि इस वीडियो को जब ये आप तक पहुँचे तो इसको लोगों तक शेयर करें, इस बात को लोगों तक आगे तक पहुँचाएँ, उनको अवेयरनेस दें कि वो इसके अंदर आगे आएँ और आगे बढ़कर जो है इसके अंदर शामिल हों। ये आप लोगों का ताबून होगा तो यकीनन ये काम जो है वो आगे बढ़ सकेगा और लोगों तक जो है बेहतर अंदाज के अंदर ये आगे जाएगा और लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। आप यकीन जानें कि बहुत सारे घराने ऐसे हैं कि जहाँ पर जो है ये खानों का मामला होते नहीं है, बहुत सारे हम नहीं चाहते, ये हमारी ख्वाहिश है, हम नहीं चाहते कि कोई भूखा सो, और इंशाअल्लाह लजीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वादा है वो खाने का इंतज़ाम करवाता है। हमारी हैसियत नहीं है कि हम ये काम करें। यहाँ पर देखें अभी हाथ धोने की जगह भी है, यहाँ पर लोग हाथ भी धो रहे हैं और पानी से भी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। यहाँ पर हमने बेहतर से बेहतर अंदाज के अंदर जो है वो इस काम को किया है, दस्तरखान को साफ सुथरे तरीके से कुर्सी बिठा कर इज़्ज़त के साथ जो है हम ये खाना खिलाते हैं। ये सिलसिला हमारा तकरीबन दोपहर को 1.5 से 2 घंटे तक चलता है, और वक्तन फ़ौक्तन बल्कि बाज़ औक़ात 2-3 घंटे तक भी चलता है कि जब तक हमारे पास खाना अवेलेबल होगा हम मुस्तकिल बुनियाद पर उनको खाना खिलाते रहेंगे और बनाते रहेंगे। अभी ये देखें बाहर अगर आप देखें तो आहिस्ता आहिस्ता लेडीज़ की लाइन भी लगती जा रही है और जेंट्स की लाइन भी लगती जा रही है। इनको हम बुलाएंगे और बुलाने के बाद फिर इनको खाने के अंदर शामिल करेंगे। हमारी आपसे बस रुपये की इल्तिजा कि और कुछ करें ना करें, हमें माली तआवुन आपका इतना दरकार नहीं जितना आपका हमें ऐसा तआवुन चाहिए कि जिसके लिए लोगों तक हमारी बात पहुंच सके और अच्छे अंदाज में पहुंच सके। यकीनन मुझसे अच्छे कहने वाले, मुझसे अच्छे तरीके से बात पहुंचाने वाले और लोग भी होंगे। हमारा काम तो अब यही है कि हम यहाँ पर इंतज़ाम कर रहे हैं, लेकिन इस तआवुन में, इस प्रोग्राम में, इस तआवुन में आप भी शामिल हो सकते हैं घर बैठे। कितना अच्छा होगा कि आप घर बैठे हुए सिर्फ इस वीडियो को आप क्लिक करेंगे, फिर इस वीडियो को अपने पास लेंगे और इस वीडियो को दूसरों तक पहुँचाएँगे। तो जब आप दूसरों तक पहुँचाएँगे तो बहुत सारे लोग इसमें खुद को शामिल हो जाएंगे, अपने साथ तआवुन कर रहे होंगे, इसलिए आज में तआवुन करेंगे, इसके अंदर लोगों तक बात पहुँचाएँगे तो लोग इसके अंदर आगे बढ़कर आएंगे और इससे अच्छे हमें मशवरे देंगे। हमारा ये काम खाली यहाँ पर दस्तरखान का नहीं है बल्कि इसके अलावा भी और दूसरे काम भी हैं। यहाँ पर राशन की तकसीमत भी होती है, रमज़ान मुबारक में भी राशन की तकसीम होती है, फिर हम बकरीद उल अज़हा के मौके पर हमने खुशबू कुर्बानी का गोश्त भी इंतहा लोगों के अंदर तकसीम किया है। अभी हमारे बीच के अंदर सदकात के भी आते रहते हैं गोश्त वगैरह, वो भी हम लोगों के अंदर गुरबा के अंदर तकसीम करते हैं। तो ये सिलसिला तो यहाँ पर और बहुत सारे मामलों के अंदर, ये बहुत सारे मामलों तो चल ही रहे हैं।
बहुत सारे मामला जो है ना वो इस हद तक चल रहे हैं कि अगर आप देखें तो हम कुएं का बोरिंग का भी इंतज़ाम कर रहे हैं, यहाँ पर भी हमारा प्रोग्राम हो रहा है कि हम यहाँ पर जो है वो आर ओ प्लांट इंशाल्लाह यहाँ पर लगाएं ताकि जो पानी की किल्लत है, आपको पता है कराची शहर के अंदर पानी की शदीद किल्लत है, तो पानी की किल्लत का जो है वो बेहतर अंदाज के अंदर हो सके। तो यहाँ पर हमारे पास बोरिंग है, हमारे पास माशाल्लाह यहाँ पर बोरिंग का इंतज़ाम किया हुआ है और नॉर्मल पानी खारा है, लेकिन इसके बावजूद हम ये चाहते हैं कि वो पीने के काबिल हो जाए और ऐसा पीने के काबिल हो जाए कि लोगों जो है लोग भी पिए, हम भी पिए और बल्कि इससे मुस्तफ़ीद होकर हॉस्पिटल के अंदर आए हुए बहुत सारे लोग जो पानी की बोतलें खरीद के पानी पीते हैं, तो वो पानी की बोतलें खरीद के ना पिए बल्कि यहीं से पानी इस्तेमाल करें। तो ये भी हमारी बहरहाल जद्दोजहद है, हमारे बहुत सारे कामों के अंदर जद्दोजहद जारी है। अब देखना ये है कि हम तो ये काम कर रहे हैं, आप अपना इसमें किस हद तक हिस्सा डाल दें। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब ये वीडियो आप लोगों तक पहुँचेगी तो इंशाल्लाह बहुत सारे हमारे भाई बुजुर्ग दोस्त बहनें माएँ ऐसी होंगी जो इस काम में हमारा हाथ बटेंगे, घर में बैठेंगे, सिर्फ ये मोबाइल मुझे मोबाइल आपके हाथ में हो और इस मोबाइल को लोगों तक शेयर इस हद तक शेयर करें कि लोगों तक बात हमारी पहुँच सके। मेरी आपसे यही दरख्वास्त है, ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट जो है ये लोगों की खिदमत के लिए कोशा है और इसमें आपका तआवुन जिस हद तक हमें दरकार है वो मैंने आपको बता दिया। अल्लाह ताला से दुआ गो कि अल्लाह ताला मेरी बात को बेहतर अंदाज में आप लोगों तक पहुँचाए और आप लोग भी बेहतर से बेहतर अंदाज के अंदर इसमें शरीक हो जाएँ। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।